उसके बाद एक ट्रांजिस्टर का एमिटर पॉइंट हम दूसरे ट्रांजिस्टर के बेस पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 4.7 NF और एक 22 PF कैपेसिटर। उसके बाद इस 4.7 NF कैपेसिटर को हम इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इस 22 PF कैपेसिटर को हम इस 4.7 NF कैपेसिटर के इस पॉइंट के साथ और इस ट्रांजिस्टर के बेस पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 2.2 के रजिस्टर और एक 50 के प्रीसेट। उसके बाद इस प्रीसेट का ये पॉइंट हम इस पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इस 2.2 के रजिस्टर को हम इस ट्रांजिस्टर के बेस पॉइंट के साथ और प्रीसेट के ये दो पॉइंट के साथ एक साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 30 AWG कॉपर वायर का टुकड़ा। उसके बाद इस कॉपर वायर को हम एक प्लास्टिक पाइप के ऊपर 20 बार ऐसे टर्न कर देंगे। उसके बाद इस कॉपर वायर को हम बीच में ऐसे फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद इस कॉपर वायर को हम फिर से उस प्लास्टिक पाइप के ऊपर 20 बार ऐसे टर्न कर देंगे। तो दोस्तों, ये हो गया इस सर्किट का डिटेक्टर कॉइल। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 100 NF कैपेसिटर। उसके बाद इस कैपेसिटर को हम इस ट्रांजिस्टर के एमिटर पॉइंट के साथ और कॉइल के इस तार के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद कॉइल के इस तार को हम इस पॉइंट के साथ और इस तार को हम इस पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों, यह सर्किट कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम इस सर्किट को चेक करके देखते हैं।